और उनके अथक प्रयासों से आज कोटगी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारे केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका दीदी, हमारी आदरणीय शैला रानी रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन अमर देवी शाह जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष भाई महावीर सिंह पवार जी, और इस मंच पर विराजमान सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जिनके द्वारा लगातार होता रहा है, और तमाम सारे धार्मिक प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होता है। ऐसे हमारे पूज्य शिवानंद गिरी जी महाराज, यहाँ के ग्राम प्रधान सगी जी, छिनका के ग्राम प्रधान देवेंद्र नेगी जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन सविता भंडारी जी, सुभाष नेगी जी, एवं हमारे सामने बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, विजय कपड़वान जी, सरला खंडूरी जी, विजय राणा जी, भारत भूषण भट्ट जी, शीला रावत जी, घनश्याम पुरोहित जी, शैलेन्द्र भंडारी जी, बुद्धि बल्लभ सप्रियाल जी, श्रीमती गौरी भटवाल जी, अंजना रावत जी, जिला मीडिया प्रभारी दरम्यान जटवाल जी, गुरवीर सिंह रावत जी, प्रकाश चंद्र गरोला जी, श्री मयूर दीक्षित जी, हमारे जिलाधिकारी अभी जिन्होंने इस पूरी यात्रा को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाया। और अभी नई पुलिस अधीक्षक के रूप में विशाखा जी, और आज कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, और आज बाल दिवस के अवसर पर मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं आए हैं। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मेरे सभी प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बाल दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं। आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो नर्सिंग कॉलेज है ये यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो एक दो महीने और विलम्ब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सब का आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया, पूरे परिसर के अंदर
जिस प्रकार की तबाही हुई थी वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा और उसको पुनर्निर्माण का काम एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदार बाबा में आए थे तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा, जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा। और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। अभी दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, कौन सा मेला बता रही, मंदाकिनी का मेला। वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक हो गई, यात्रा ऐतिहासिक हो गई। और जब यात्रा शुरू हुई थी तो इस बार बहुत चुनौती भी हमारे सामने थी, हमारे प्रशासन के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि हम यात्रा को ठीक प्रकार से संपन्न करवाएं, क्योंकि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से शब्द निकले और आप देखिए कैसी उनकी वो शिववाणी थी, कैसे उनके वो शब्द थे कि बाबा साक्षात बाबा बोल रहे हो, बाबा केदार बोल रहे हो, बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो। और उन्होंने पिछले साल कहा और इस साल यात्रा हमारी जो है पिछले सालों की तुलना में जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड होता था उससे 40% ज्यादा यात्रा हो गई, 40% ज्यादा यात्री आ गए। लेकिन ये क्रम यही रुकने वाला नहीं है, ये क्रम लगातार बढ़ने वाला है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में था, वहां मैं जब जा रहा था तो सारे लोग यात्रा की चर्चा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये यात्रा और बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से आज ठीक प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हेली सेवा हो रही है, आने वाले समय में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप तय मान के चलिए जितनी यात्रा इस साल हुई है अब इससे कम यात्रा नहीं होने वाली है, ये यात्रा लगातार बढ़ने वाली है। और उस लगातार बढ़ने वाली यात्रा के लिए हम सभी को उसी प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। एक बात जरूर हम सब लोगों को अपने स्मरण में भी रखनी पड़ेगी, उसको अपने व्यवहार में भी लानी होगी कि आने वाले जो यात्री हैं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि जो है देव के समान होता है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है, तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी को उनके साथ आगे का व्यवहार बढ़ाना होगा, इससे कि वो बार बार आए, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आए उत्तराखंड और कहे कि नहीं वहां की यात्रा तो अच्छी होती है, क्योंकि वह यात्रा में बाबा केदार उनको बुलाते हैं, बाबा बद्री विशाल बुलाते हैं। अब हमारी शक्ति ये होनी चाहिए कि वो यहां से जाने के बाद जहां बाबा केदार का गुणगान करें, बाबा का स्मरण करें, वहीं हम लोगों को भी याद करें कि उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्रकार से यात्रा को ठीक चलाने का काम करते हैं, लोगों की यात्रा सरल हो, सहज हो और सुरक्षित हो उसकी चिंता भी हमारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, करते रहे हैं, लेकिन हमको इसको और व्यवहार में लाना होगा और हमको इसको जो है सहज बनाना होगा और सरल बनाना होगा, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथन है कि
कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब हम यात्रा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित है, और विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए जहां हमको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, कुछ कार्य व्यवहार, कुछ कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है, जिसके कारण से पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां भर्तियों की गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने उसमें सख्त कदम उठाए। और ये भर्तियों की गड़बड़ियां अभी से नहीं चल रही थी, ये भर्ती की गड़बड़ियां पिछले 14-15 से, जब से ये आयोग बना था तब से चल रही थी। भाइयों बहनों, हमारे सामने एक प्रकरण आया, जैसे ही यह प्रकरण आया तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को कहा कि थोड़ी जांच करके देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कि हर बार ये गड़बड़ियों की बात आती है। प्रारंभिक जांच में ये आया कि इसमें गड़बड़ियां होती रही है। तो भाइयों बहनों, हमने एक मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को इसकी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया। और जैसे ही इसकी जांच की जिम्मेदारी हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को सौंपी, उन्होंने एक के बाद एक लगातार 45 गिरफ्तारियां करी, क्योंकि हमने कहा कि चाहे कोई भी होगा हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, उसका स्थान केवल और केवल सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से मानता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैंने देखा है जीवन में कितने सारे संघर्षों को पार करके कोई बेटा या बेटी इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो नौकरियां प्राप्त करें। और किसी गरीब माँ बाप के बेटे या बेटी के पास अगर कोई सबसे बड़ा धन होता है, कोई सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो पूंजी होती है उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसके अंदर जो संस्कार माँ बाप ने और उनके शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और गुरुजनों ने दिए होते हैं, उसी के दम पर वो आगे बढ़ता है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा, उस पर भी अपराधी हावी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के पास और उन माँ बाप के पास कुछ नहीं रहेगा जिन्होंने अपने बेटों को अपना पेट काट कर पढ़ाई करवाई है, उनको आगे की शिक्षा और संस्कार दिए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने कड़ाई से इस पर निर्णय लिया है और हमने अभी भी कहा है कि जब तक उसका अंतिम आरोपी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियां उन सभी को ईमानदारी से, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल उनको परीक्षाओं में पास होने से नहीं रोक सकता है। आगे सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। भाइयों बहनों, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगले एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। और उत्तराखंड के अंदर भी हमने 19,000 जो हमारी नियुक्तियां खाली हैं, जो खाली पद पड़े हुए हैं हमारे विभिन्न विभागों में, लगातार हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार उनकी समीक्षा के बाद जो भी पद हमारे खाली होकर हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने भी लक्ष्य लिया है कि जहां 7,000 जो भर्ती की परीक्षाएं हमारी होनी थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, उसमें बीच में जहां गड़बड़ी आ गई, जांच चलने लगी, तो बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो गया था कि हमारे बेटे बेटियों को अब कहीं इसमें इंतजार न करना पड़े, उनको नौकरी के लिए विलंब न होना पड़े। इसके लिए हमने तत्काल फैसला लिया और उत्तराखंड के अंदर पहली बार इस प्रकार का फैसला लिया कि जो परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, वो सारी की सारी 7,000 परीक्षाएं हमने तत्काल लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी। और लोक सेवा आयोग ने, भाइयों बहनों, सितंबर के माह में हमने उसको हस्तांतरित किया, हमारे राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया और अक्टूबर माह में उन्होंने सारे कैलेंडर और सारे विज्ञापन जारी कर दिए। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां संपन्न भी हो जाएंगी, हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो भर्तियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और ये इसलिए भी सख्त कदम उठाना जरूरी था कि भविष्य में इस प्रकार का काम करना तो कोई दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं, करेगा तो दूर की बात, सोचेगा भी नहीं कि हमें इस प्रकार का अपराध करना है। ऐसे अनेकों कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
भाइयों बहनों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से जहां भरत चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा, वही हमारी दीदी शैला रानी राव जी को यहां से जिताकर भेजा और उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक जो मिथक था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती है, वो मिथक आप सब लोगों ने तोड़ दिया, नया इतिहास बना दिया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भी संकल्प लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता की बात हमने करी थी, देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम आगे बढ़े और आज पूरा देश धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी गुजरात की सरकार ने भी इस दिशा में फैसला ले लिया कि वहां भी कमेटी का गठन होगा। हिमाचल में अभी वहां भी लोगों ने यह संकल्प ले लिया कि चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद हिमाचल के अंदर भी इसी प्रकार का जो समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनने वाला है उस दिशा में हिमाचल की सरकार भी आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, जहां आज मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राज्य को बनाने में, मैं देख रहा हूं यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम गोल्डन जुबली रजत जयंती पर जब मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड के 1,25,000 बहनों को, मातृशक्ति को हम लखपति दीदी बनाएंगे, यानी कि उन सभी को 1,00,000 से भी ज्यादा की जो है उनकी अपनी आमदनी हो, अपना सब कुछ हो, उनकी इतनी जमा पूंजी हो जाए, उसके लिए तमाम योजनाओं को हम उत्तराखंड के अंदर लागू करने वाले हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारे स्वयं सहायता समूह की हो, हमारे सहकारिता विभाग की तमाम योजनाएं हैं जिसके अंदर हम लोन देने से लेकर बिना ब्याज के ऋण देने तक की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे है जो हमारे यहाँ के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आधार बनने वाली है। इसके साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगले सालों के अंदर हम 1,000 नए बगीचे बनाने का काम भी हमारी सरकार और लोगों के सहयोग से हम करेंगे। क्योंकि मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल के चुनाव में लगातार 10-15 दिनों तक वहां जाना हुआ। भाइयों बहनों, मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का वातावरण है, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार का सारा हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है। और वहां जिधर देखिए, ऊपर देखिए तो सेब के बगीचे, नीचे देखिए तो सेब के बगीचे, कहीं खत्म ही नहीं होते थे सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि यहाँ पर एक एक जो सेब के उत्पादक है कितना तक कमा लेते हैं, तो बोले 1 साल में 3-3 करोड़ रुपया तक एक एक सेब के उत्पादक कमा रहे हैं। और एक गांव ऐसा था चौपाल के आसपास का गांव, वो गांव एशिया का सबसे ज्यादा बागवानी के क्षेत्र में अर्जन करने वाला गांव था। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी की वहां पर उनकी कमाई होती है सेब के उससे, व्यापार से, अन्य चीजों से, बागवानी से, तो वो गांव जो है मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उस गांव के लोग कमाते हैं। एक एक गांव में एक एक व्यक्ति, इतनी बड़ी वहां पर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमको भी, क्योंकि दूसरे राज्यों से हम लोगों ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उन सभी को हम एडॉप्ट करेंगे, हम सीखेंगे। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए, हमें जो दूसरों के अच्छे काम है उनको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमारे दल भी, हम सरकार के स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दल हम अनेकों राज्यों को भेज रहे हैं। अभी ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में परिवार रजिस्टर को बनाने के लिए हरियाणा हमारा दल गया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से जो हमारा वहां का बाघा बॉर्डर का है, नाडा जेट का है, तो गुजरात में बने हुए अनेकों स्थान, उन स्थानों को देखने के लिए हमारे यहाँ के अधिकारी गए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी माड़ा गांव में, जहाँ देश के जितने भी हमारे सीमांत गांव है, उन सभी गांवों को प्रथम गांवों की संख्या दे दी। उन्होंने कहा कि सारे ही सीमांत के जितने भी गांव हैं, वो सारे के सारे गांव हमारे प्रथम गांव होंगे, सारे के सारे जनपद जो हमारे सीमांत के जनपद होंगे वह भी प्रथम जनपद होंगे, वहां का विकास उसी हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ी अपील देशवासियों से उन्होंने कही कि आप जो भी हमारी धार्मिक यात्रा में आते हैं, पूरे देश भर से जितने लोग धार्मिक यात्रा में आते हैं, वो धार्मिक यात्रा में आने वाले सभी लोगों से उन्होंने अपील करी है
कि अपनी कुल धार्मिक यात्रा का खर्च होने वाला जितना भी आपकी धनराशि है, उस धनराशि की 5% धनराशि हमारी जो बहनें लोकल का उत्पाद बनाती हैं, हथकरघा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कढ़ाई सिलाई के क्षेत्र में या कोई खिलौने बनाने के क्षेत्र में, कि 5% धनराशि, 5% धनराशि उसमें वो खर्च करें, जिससे कि वोकल फॉर लोकल जो हमारा मंत्र है उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे ऐसी बहनों को, काम करने वालों को जहां एक बड़ा एक प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं एक आर्थिकी को भी बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। पूरे देश के अंदर के लोगों से उन्होंने ये आह्वान किया है, उसके कारण से हमारे जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं उनको भी बहुत सारी मदद मिलेगी। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, एक लंबे समय से हमारे भरत चौधरी जी ने बार बार मुझे कहा है कि विकासखंड नगस्त मुनि के ग्राम धारकोट में एक मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा, इसके लिए जो एक मुख्य धनराशि है उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि वो धनराशि अवमुक्त की जाएगी। और जो दीदी ने कहा है दिल्ली कॉलेज के बारे में, उसका हम लोग परीक्षण करवा लेंगे वहां पर, उसका परीक्षण करवाने के बाद उसको भी पढ़ाएंगे। और हमारे महावीर सिंह पवार जी ने कहा है गैठाड़ा के पड़शिला नामी तोप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, उसको भी हम लोग दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से उसकी व्यवस्था हो सकती है। मैं आज इतना ही आप सबसे कहते हुए, और प्रिय मेरे जो बच्चे स्कूलों से आए हुए हैं, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी को आज बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भविष्य में, आप सभी लोग सब लोग नेता बनिए, बनोगे नेता? बोलिए हाँ या ना। अरे आवाज नहीं आई, आ गई आवाज? नेता बनोगे ना? कैसे नेता बनोगे? जैसे यहाँ मंच पर बैठे ऐसे ऐसे भी दो चार लोग बन जाओगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जिस क्षेत्र का भी आप लोग चयन करो उस क्षेत्र के लीडर बनो। यानी कि जैसे हम कहते हैं, पिछले दिनों में कहता था क्रिकेट के क्षेत्र में हम सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र के नेता, इसी प्रकार से पर्वतारोहण के क्षेत्र में वो दीदी है हमारी बछेंद्री पाल, जिन्होंने शिखर तक एवरेस्ट की चोटियों को छूने का काम किया है, वो पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता, यानी कि वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे आगे गई है। तो इसलिए हम उनको कह सकते हैं पर्वतारोहण क्षेत्र की नेता। हमारे प्रोफेसर कलाम, जिन्होंने वैज्ञानिकों के क्षेत्र में, चाचा कलाम को भी हम सबको याद करना चाहिए, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर वो देश के बड़े वैज्ञानिक बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने, अगर हम उनको भी कह सकते हैं वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता है। इसी प्रकार से एस नारायण मूर्ति, जिन्होंने आईटी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, अभी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अनेकों अनेकों जिनको भारत सरकार ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो विभूषित उनको किया है, उन सभी ने, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में एक नया करिश्मा करके दिखाया है, यानी साधारण से असाधारण की जिन्होंने यात्रा की है, जिन्होंने सामान्य रहकर असामान्य काम किए हैं, जिन्होंने धरती में पैदा होकर आसमान को छूने का काम किया है, हम सब लोग उनको प्रेरणा मानकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उनकी तरह ही काम करने का हम संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बाल दिवस के अवसर पर यह संकल्प भी हमारे बच्चों को लेना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में लीडर बनेंगे, उस क्षेत्र को नेतृत्व देने का काम करेंगे, अपनी जितनी भी हमारी शक्ति है, जितने भी हमारे अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आगे लगाएंगे, सकारात्मक कामों में लगाएंगे। और सकारात्मक जब हम सोचते हैं, करते हैं, तो भगवान की भी हमारे ऊपर कृपा होती है, हम उस काम में संकल्प से शुरू होकर सिद्धि तक पहुंचते हैं, यानी कि जो हमारा संकल्प होता है वो पूरा होता है। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्ग प्रिया जनपद के सभी को अपनी तरफ से आज के ये जो शिलान्यास हुआ है हमारा, इस शिलान्यास कोठी नर्सिंग कॉलेज का, इसकी बधाई देते हुए जल्दी हमारा रुद्रप्रयाग में 23 करोड़ की योजना